मैं पूरी ओवरऑल पिक्चर ड्रॉ करना चाहूँ, एक तो ये वन टाइम हादसा था, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूस हो, एक बड़ा ग्लेशियर टूटा, उसके साथ पूरा पहाड़ टूटा, खाली बर्फ नहीं टूटा, पूरा पहाड़ टूटा, बोल्डर साए मलबा, इसलिए जो है सबको अपने साथ बहा करके ले गया। इसका जो इम्पैक्ट है वो दो जगह पर आया, पहला तो आज प्रोजेक्ट जो रैनी में था उसमें से हमारे अभी 32 लोग मिसिंग हैं, वहाँ करीब 50-60 लोग काम कर रहे थे, अभी फाइनल फिगर जो है 32 लोग वहाँ पे मिसिंग हैं। फिर उसके डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तपोवन, यहाँ पे दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था जो एनटीपीसी का था, जो पहला प्रोजेक्ट है पूरी तरह वास्ट डेवलप हो गया, ठीक है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है पूरी तरह वास्ट डेवलप नहीं है, यहाँ पे ज्यादा लोग काम कर रहे थे, और इसमें जो लोग एकदम जो झटका है उसमें बह गए हमने, कुछ लोग जो टनल्स में थे काम कर रहे थे, तो छोटी टनल से हमने 12 लोग से जिंदा बचा, वो पूरी तरह सेफ है, उनको कोई बड़ी इंजरी नहीं। जो बड़ी टनल है इसमें अनुमान है कि 25-30 लोग हो सकते हैं। इस पूरी तपोवन साइट से मैक्सिमम जो उन्होंने हमने फिगर्स दी है 121 लोग, ये लोग मिसिंग हो सकते हैं, तो उन्हीं में से टोटल हमें 10 डेड बॉडीज के रिकवर हुई हैं, 3 तपोवन से, 7 हमें डाउन स्ट्रीम में रिकवर हुई, कंट्रा के यहाँ से करीब करीब 70-80 किलोमीटर डाउन है, वहाँ से जो है टोटल हमारे 10 डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं। अब एक बड़ी टनल को खोलना बाकी है, इसको कल रात भी हमने कोशिश की थी, हमारे कमांडर बस द्वारा और आर्मी के लोग अंदर तक गए थे, क्रॉलिंग करके गए, क्योंकि ये भरा हुआ है, इस रास्ते मलबे से भरा हुआ है, तो 150 मीटर तक जाता है, उसके आगे नहीं जा पाए, पूरी तरह बंद हो गया। हालांकि इसमें बड़ी तकलीफ होती है पूछते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई आवाज नहीं, क्योंकि बंद है ना, चौक में पूरी तरह, हाँ, परंतु इसमें अगर लाइफ बचा होगा तो यहाँ से देखिए पूरी तरह दब गए हों शुरू में मलबे में, तब तो कोई उम्मीद नहीं होगी, अगर वो जो भी बच गया होगा पहले जान पर, फिर वो बचा रहेगा, ये मेरा पक्का मैं श्योर, क्योंकि टनल लंबी है, टोटल टनल में 2 लेयर है हाइट, तो 2.5 किलोमीटर है, उस हिसाब से जो है अगर जो बचा तो बचा होगा, अभी 180 मीटर के बाद एक मोड़ है, तो उस पॉइंट पे हम उम्मीद है जल्दी पहुंच जाएंगे, और जितनी हमें उम्मीद है आर्मी और बाकी टीमें लगी हैं उसको खोलते हैं, मशीनों को लगा दिया गया है, रात भर भी लगे थे, रात भर तो ये यहाँ तक का इसके गेट तक का मलबा साफ किया, ये अंदर घुसे, क्योंकि पहले तो कॉल करके जा रहे थे, छाना तो पूरा क्लियर करके जा रहे थे, तो हमें उम्मीद है कि आज शाम तक ये टनल खोल पाएंगे, तो पता चलेगा कि वो सर्वाइव कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों की मन में बड़ी चिंता थी, अचानक से केदारनाथ की जो बुरी यादें थी वो एकदम जहन में ताज़ा हो गई, जैसे ही सबसे पहले सुनामी की खबर आई थी, अभी आप लोग क्या एसेस कर रहे हैं, ये कंटेन हो गया है कम्प्लीटली, अब जहाँ से पानी जिस शुरुआत से बहकर आ रहा है, ये तो कल 2 बजे ही 100% कंटेन हो गया था, क्योंकि ये पानी लगभग 2 बजे के आसपास श्रीनगर डैम पहुंचा था, जो बीच के लेवल थे उनमें पानी ने वो राइज दिखाया जितना ही मानसून में रहता है सामान्यतः पानी, तो हम समझ गए थे उससे बियॉन्ड नहीं है तो ज्यादा डैमेज नहीं होगा, फिर भी मैंने हरिद्वार तक अलर्ट करा दिया था, राफ्टिंग की सभी टीमों को रुकवा दिया था, सभी के सब उसको पूरे रिवर बेड को खाली करा था, तपोवन से लेकर पर श्रीनगर में बड़ा डैम है आज के पहले नहीं था, उस डैम से 2-2.5 बजे के बीच में क्वेश्चन क्लियर होगी कि डैम की अथॉरिटीज ने बता दिया कि हमारे पास जितना पानी आया है वो हमारी कैपेसिटी के अंदर है, वो यहाँ रुका है, और यहाँ से आगे जो पानी जा रहा है कंट्रोल्ड वाटर जा रहा है, इसका मतलब पानी पूरी तरह कंट्रोल्ड है, तो उसमें कोई इसका मतलब उसमें कोई रिस्क नहीं है, तो वो उसके बाद हमने नीचे को डिजी कर दिया था कि अब उतने बड़े खतरे दिख रहे हैं, तो मेरा जो अनुमान ये है कि टाइमली ये वीडियो वायरल हुआ, फेसबुक से आया, उसे सबने देखा, टाइमली अलर्ट जारी हो गया, और जो रिवर बेड के लोग भी थे जो 2 पावर थ्रो थे को तो इम्पैक्ट किया, क्योंकि वो तो कोई टनल में था काम कर रहे थे ना, वो इतने तो वो ऊपर वाले प्रोजेक्ट में कह रहे टोटल 30 सेकंड में सब कुछ हो, तो इतना इनको तो टाइम नहीं मिला, उसके आगे वालों को टाइम मिल गया, इसलिए आगे इम्पैक्ट नहीं कर पाया, अब लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैनिक की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें कोई हेली रेस्क्यू का कोई स्कोप नहीं है, अगर कोई बचाना का स्कोप है तो एकमात्र टनल है जो लंबी है जिसको खुला जाने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल अश्योर करने के